दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पैसेंजर प्लेन फाइटर जेट की स्पीड से उड़ सकता है? आज के वक्त में शायद ही ऐसा कोई पैसेंजर प्लेन होगा जो फाइटर जेट का मुकाबला कर सके, लेकिन दो दशक पहले एक ऐसा प्लेन था जिसने अपनी रफ्तार से बड़े बड़े फाइटर और बॉम्बर जेट को लगभग पछाड़ दिया था। एक ऐसा प्लेन जिसकी स्पीड थी 2180 किलोमीटर प्रति घंटा। हर इस प्लेन में लगभग 100 लोग एक बार में ट्रैवल कर सकते थे। इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बाकी प्लेन के मुकाबले लगभग आधा समय लगता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्लेन आखिर बंद क्यों हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 2000 का सातवां महीना और 25वां दिन, जब फ्रांस में न्यूयॉर्क जाने वाला ये सुपरसोनिक प्लेन चार्ल्स स्टीव गोली एयरपोर्ट से निकला, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। उड़ान भरने से पहले इस प्लेन में सभी तरह की टेक्निकल चीजों को चेक कर लिया गया था, लेकिन कौन कौन टेक ऑफ करने वाला था? तभी जिन लोगों ने इस मंजर को देखा उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि रनवे पर वे टेक ऑफ कर चुके इस प्लेन में एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी। वो आवाज थी सुपरसोनिक प्लेन के इंजन नंबर 2 में लगने वाली आग की, जिसे देखने के बाद क्रू मेंबर्स से लेकर पैसेंजर्स तक सभी लोग बुरी तरह से डर गए। इस प्लेन के पायलट को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और अब पायलट के पास इस प्लेन को लैंड कराने का कोई मौका नहीं था। रनवे लगभग खत्म हो चुका था, यानी अब इस प्लेन को पैसेंजर और पायलट के पास अपनी जान बचाने के सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे। चंद मिनटों में कॉनकॉर्ड थोड़ी दूर पर जाकर एक होटल में टकराया। ये प्लेन जो कभी आसमान में अपनी तेजी और डिजाइन के लिए जाना जाता था, उस दिन जमीन पर बुरी हालत में पड़ा था। इस प्लेन क्रैश में सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई। इस घटना की सरकार ने हाई लेवल पर जांच कराई, जिसमें पता चला कि इस प्लेन के क्रैश होने की वजह था रनवे पर पड़ा एक मेटल का टुकड़ा। जब कॉनकॉर्ड उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ रहा था, तो एक मेटल का टुकड़ा इस प्लेन के पहिए से टकरा गया, जिसकी वजह से प्लेन का भार दूसरे पहिए पर जाने लगा, जहां फ्यूल टैंक और इंजन होता है। धीरे धीरे प्लेन में फ्यूल गर्म इंजन वाले हिस्से तक पहुंचना शुरू हो गया और पूरे प्लेन ने आग पकड़ ली। इस प्लेन क्रैश को याद करने वाले लोग आज भी इस घटना को याद नहीं करना चाहते हैं। इस दुखद घटना के बाद कॉनकॉर्ड को चारों तरफ बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी और लोगों ने डर की वजह से इस प्लेन से ट्रैवल करना बंद कर दिया, जिसके बाद कॉनकॉर्ड को चलाने वाली एयरलाइन कंपनियां घाटे में जाने लगी और ये प्लेन बंद हो गया। लेकिन ये प्लेन आखिर बंद होने के बावजूद भी क्यों याद किया जाता है? उसकी कई वजह हैं जो इस प्लेन के बनने की कहानी से शुरू होती हैं। साल 1969 की शुरुआत में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने मिलकर कॉनकॉर्ड नाम के इस प्लेन को बनाने का काम शुरू किया, जो 1 अक्टूबर 1969 को खत्म हुआ। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये प्लेन एक ब्रिटिश फ्रेंच टर्बो जेट से पावर्ड सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर था। कॉनकॉर्ड अपनी स्पीड की वजह से दुनिया भर में काफी जल्दी मशहूर हो गया था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1354 माइल्स पर आवर थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही खासियत नहीं थी, ये प्लेन कितना शानदार था इसका अंदाजा हम आज के सबसे अच्छे पैसेंजर प्लेन से कंपेयर करके देख लेते हैं। शायद इससे आपको इस प्लेन की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। आज के समय में सबसे अच्छे प्लेन में से एक है बोइंग 747। सबसे पहले इन दोनों की टॉप स्पीड की बात करें तो ये प्लेन 1350 माइल्स पर आर की स्पीड से फ्लाई करता था, लेकिन वहीं बोइंग सिर्फ 613 माइल्स पर आर की स्पीड से ही फ्लाई कर सकता है। यानी अगर एक ही समय में ये प्लेन लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकले तो कॉनकॉर्ड को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 3.5 घंटे और बोइंग को 7.5 घंटे का समय लग जाएगा, यानी कॉनकॉर्ड बोइंग से लगभग आधे समय में पहुंच जाएगा। चलिए अब कॉनकॉर्ड का आज के दौर में एक और सबसे बेस्ट प्लेन से कंपैरिजन करके देखते हैं। ये सिंगापुर एयरलाइंस का एयरबस A380। इस प्लेन को भी न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचने में लगभग 7.5 घंटे का समय लग जाएगा और जहां तक इसकी स्पीड की बात है तो ये बोइंग से सिर्फ 20 माइल्स पर आवर ही ज्यादा है। तो अब हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि कॉनकॉर्ड पैसेंजर प्लेन की कैटेगरी में नहीं आता। अब अगर हम फाइटर प्लेन से कॉनकॉर्ड को कंपेयर करें तब जाकर हमें अंदाजा लग जाएगा कि उस वक्त का कितना शानदार प्लेन था।
सबसे पहले बात करते हैं यूरो फाइटर टाइफून की, क्योंकि तूफान का दूसरा नाम है टाइफून और इसकी टॉप स्पीड होती है 1550 माइल्स पर आवर और कॉनकॉर्ड की स्पीड इससे बस थोड़ी कम थी 1350 माइल्स पर आवर। आज के समय में जबरदस्त तबाही मचाने वाला बॉम्बर प्लेन जो कि अमेरिका के पास है, इसका नाम है B-2 बॉम्बर। ये भी कॉनकॉर्ड के आगे कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि B-2 बॉम्बर की स्पीड है 627 माइल्स पर आवर, वहीं कॉनकॉर्ड की टॉप स्पीड लगभग इसकी दोगुनी है। कॉनकॉर्ड एक पैसेंजर प्लेन था, लेकिन फाइटर क्लास प्लेन होना इसके लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। इस प्लेन की सबसे बड़ी कमी थी उसका कम स्पेस, क्योंकि सुपरसोनिक प्लेन में 100 पैसेंजर और 10 क्रू स्टाफ ही ट्रैवल कर सकते थे। हालांकि इस प्लेन के डिजाइन और कॉन्सेप्ट के हिसाब से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। कॉनकॉर्ड के तेज उड़ने की वजह थी उसका खास डिजाइन, और इसी खास वजह से इस प्लेन को काफी सारे अवार्ड भी मिले। कॉनकॉर्ड की मजबूती के लिए इस प्लेन के अंदर वेरिएबल इनटेक रैम सिस्टम लगाया गया था, जो डिजिटल कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता था। इस प्लेन की स्पीड बढ़ाने के लिए उसे सुपर क्रूज स्पेशलिटी दी गई थी। उस दौर के प्लेन में ये सब टेक्नोलॉजी होना आम बात नहीं थी। इस प्लेन की इजी लैंडिंग के लिए इस प्लेन में ड्रॉप नोज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। किसी भी ऑब्जेक्ट का हल्का होना उसके ज्यादा देर तक और तेजी से उड़ने में काफी मदद करता है। कॉनकॉर्ड को इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था। एक प्लेन को देखते हुए इस प्लेन को जितना हल्का बनाया जा सकता था बनाया गया। जिस समय से बनाया गया था उस दौर में कोई भी कॉनकॉर्ड की स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब हम वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि इस सुपरसोनिक प्लेन को आखिर बंद क्यों कर दिया गया। असल में कॉनकॉर्ड को ब्रिटिश और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था। फाइटर प्लेन की स्पीड से उड़ने वाले कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली उड़ान 2 मार्च 1959 को उड़ी थी। जहां तक इस प्लेन की बात है तो ये काफी खर्चीला था। बाकी प्लेन से अलग कॉनकॉर्ड को एक बार टेक ऑफ करने के बाद उड़ने के लिए 4800 US gallon की जरूरत पड़ती थी। चलिए इस वीडियो के खत्म होने से पहले जानते हैं कॉनकॉर्ड से जुड़ी कुछ शानदार बातें। कॉनकॉर्ड ने 2 दशकों में लगभग 50,000 उड़ाने भरी। इस प्लेन के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इस प्लेन ने सिर्फ 29 घंटों और 59 मिनट में दुनिया का चक्कर लगाया था। इस प्लेन में कॉकपिट मूविंग था, जो लैंडिंग और उसके बाद आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। कॉनकॉर्ड की स्पीड की वजह से इस सुपरसोनिक प्लेन से ट्रैवल करना काफी महंगा था। इस प्लेन से ट्रैवल करने के लिए उस वक्त लोगों को करीब 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, जो बाकी प्लेन के किराए से अगर कंपेयर करें तो काफी ज्यादा था। यही वजह थी कि अक्सर कॉनकॉर्ड से सिर्फ अमीर लोग ही सफर किया करते थे। बुलेट की स्पीड से भी तेज उड़ने वाले इस प्लेन ने इंग्लैंड के ऊपर से अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 26 नवंबर 2003 के बाद इस प्लेन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको आज से पहले इस प्लेन के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें।